उत्तर प्रदेश में सीएए और एनआरसी को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हुआ, उस विरोध प्रदर्शन के बीच पीएफआईपी का जो हाथ है, पीएफआई का जो हाथ है, वो सामने आया, सबूत मिले और अब तैयारी हो रही है इस संगठन को खत्म करने की। एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, समझिए इसे भी। पीएफआई का यूपी हिंसा में आया नाम, 22 सदस्यों की हुई पहचान, बैन करने की तैयारी में सरकार। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पूरे राज्य के कई जिलों में हुए तमाम हिंसक प्रदर्शनों के खिलाफ योगी सरकार सख्ती से काम ले रही है। इस बीच नई जानकारी सामने ये आई कि उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार अब एक नया कदम उठा सकती है। बताया जा रहा है कि सरकार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगा सकती है। उधर पुलिस का दावा है कि हिंसा में पीएफआई के लोग शामिल थे। लखनऊ में प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा मामले में पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 22 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही पुलिस ने इस बात का दावा भी किया था कि लखनऊ में नागरिकता संशोधन अधिनियम विरोधी प्रदर्शन के दौरान 19 दिसंबर को हिंसा का मास्टरमाइंड यही संगठन है। देखिए, पीएफआई का नाम बदल करके सिमी ने एक से अवतार धारण किया और पूरे उपद्रव, पूरे अराजकता, पूरे आक्रमण, पूरे बलवे के पीछे विशेष तौर से पीएफआई का ही हाथ था और उसकी जांच का के माध्यम से सच भी सामने आ रहा है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सिमी किसी भी रूप में अगर प्रकट होगा तो उसे कुचल दिया जाएगा। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार पीएफआई पर प्रतिबंध लगाएगी। तो उधर प्रदेश के डीजीपी ने केंद्र को पत्र भेजकर सिफारिश की है। हमने रिकमेंड किया है कि पीएफआई को बैन किया जाए। ये रिकमेंडेशन हम गृह मंत्रालय को भेजेंगे और उस पर कार्रवाई की अपेक्षा करेंगे। अब ये भी जान लीजिए क्या है पीएफआई। केरल से शुरू होकर कई राज्यों में पसार चुका है पांव। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक चरमपंथी इस्लामी संगठन है। साल 2006 में पीएफआई का गठन किया गया। कई और संगठनों के साथ मिलकर पीएफआई ने अपनी पैठ बनाई। समाज विरोधी व देश विरोधी गतिविधियों के आरोप लगते रहे। बहरहाल, अब केंद्र के पाले में गेंद है, कब तक पीएफआई पर बैन लगेगा ये देखना होगा। वैसे 2012 में केरल सरकार ने एक मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट से कहा था कि पीएफआई की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए हानिकारक है। ब्यूरो रिपोर्ट, R90 News।